जाने का मतलब ये ब्लेम लगा रहा था कि खाने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो पुलिस पर हमारा क्या विश्वास है? हमारा तो कोई विश्वास ही नहीं है। मार कर उनको बस टांगा गया था कि सुसाइड लगी सर, मारने के ही मकसद से आए थे। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों के दौरान ये दूसरा ऐसा मामला है जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ ही केस दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान फरार हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के ही अधिकारी उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड के बाद चंदौली में निशा की मौत का मामला अब यूपी पुलिस के गले की फांस बनता जा रहा है, जिसमें चंदौली के सैयद राजा थाने के SHO समेत कुल 6 पुलिस वालों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या में यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह समेत 6 पुलिस वालों के खिलाफ CBI तक ने यह मान लिया था कि मनीष गुप्ता की हत्या पुलिस वालों ने ही की थी। अब ऐसा ही एक और मामला चंदौली जिले में सामने आ गया है, जहां यूपी पुलिस के SHO समेत 6 पुलिस वालों पर एक हिस्ट्री सीटर की बेटी की हत्या का आरोप लगा है और अब यूपी पुलिस को इस मामले में सफाई देते भी नहीं बन रहा है। दरअसल हुआ यह है कि पिछले दिनों चंदौली जिले के सैयद राजा थाने के मनराजपुर के रहने वाले कन्हैया यादव के खिलाफ कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था। यूपी पुलिस के दस्तावेज में कन्हैया हिस्ट्री सीटर है, जो अवैध बालू कारोबार में लिप्त रहा है और जिसके संबंध बालू माफिया से रहे हैं। उसके परिवार के सभी लोगों पर अलग अलग मामलों में केस दर्ज हैं। इनमें बिजली चोरी से लेकर गुंडा एक्ट तक के कई मामले शामिल हैं। इसी कन्हैया यादव की तलाश में सैयद राजा पुलिस उसके घर पहुंची थी। उस वक्त घर पर कन्हैया की 2 बेटियां निशा और गुंजा ही मौजूद थी। कन्हैया के घर वालों का आरोप है कि कन्हैया के न मिलने पर सैयद राजा पुलिस ने निशा और गुंजा से मारपीट की। पुलिस के पिटाई से बचने के लिए निशा घर की ऊपरी मंजिल पर चली गई तो पुलिस वाले वहां भी पहुंच गए और उसके साथ मारपीट की। इस मारपीट की वजह से निशा की मौत हो गई। घर वालों का यह भी कहना है कि निशा की पिटाई से मौत के बाद पुलिस वालों ने निशा की मौत को आत्महत्या का रूप देने की भरपूर कोशिश की। मृतका निशा की बहन गुंजा ने दावा किया कि पुलिस वालों ने निशा के मरने के बाद उसे साड़ी से पंखे पर लटका दिया ताकि हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जा सके। मार कर उनको बस टांगा गया था कि उसको सुसाइड लगी सर, क्योंकि अगर टंगी होती तो जमीन से ऊपर होती, वो जमीन से टच थी सर, उनका पैर ऐसे हो गया था। लेकिन अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है तो इस मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय और ज़्यादा उलझ गई है। पुलिस का दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पिटाई के निशान नहीं मिले हैं। चंदौली SP अंकुर अग्रवाल ने कहा है कि मृतका का पोस्टमार्टम किया गया है। पोस्टमार्टम में गर्दन पर खरोंच और बाएं जबड़े पर चोट के निशान हैं। आंतरिक अंगों का बाहरी रूप से कोई हमला या कोई चोट का निशान नहीं है और इस वजह से मौत की पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसकी वजह क्या रही। गले के पास एक खरोंच आई है और जो बाएं जबड़ा है उसके नीचे 0.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी मामूली सी चोट है। इसके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर पर, इसके अतिरिक्त अंदरूनी और बाहर दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोस्टमार्टम में नहीं आई है। वहीं इस मामले में निशा के पिता कन्हैया का बयान भी सामने आ गया है। कन्हैया ने कहा है कि पुलिस हमको परेशान कर रही है, मेरे ऊपर सिर्फ 2 केस दर्ज थे, जिनमें एक बिजली चोरी का था और दूसरा 151 का था। फिर मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदर कर दिया गया। मैं बनारस रहने लगा तो पुलिस ने मेरे घर आकर लड़कियों से इतनी मारपीट की कि मेरी एक बेटी की मौत हो गई और दूसरी बेटी की तबीयत गंभीर रूप से खराब है। गंगस्टर एक्ट का कोई मुकदमा नहीं है। हमारे पास एक बिजली का मुकदमा था जो कि वो ख़त्म हो चुकी थी। 151 का मुकदमा था वो जबकि ख़त्म हो चुका था 2014 में। 2020 में पुलिस यही तरह हमको प्रताड़ित कर रही थी यहीं पे। उस समय मैं बेहोश हो गया था, मेरी उस समय ये हार्ट अटैक हो गया था और प्रशासन ने हमको अनुशासन दे करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करा करके उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। तो पुलिस पर हमारा क्या विश्वास है? हमारा तो कोई विश्वास ही नहीं है। पुलिस तो हमको गुमराह कर रही है। और जाहिर है कि जब यूपी में इतना बड़ा बवाल हुआ है तो सियासत भी होनी ही है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी में पुलिस हत्यारी बन चुकी है, निरंतर निर्दोष नागरिकों की BJP सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या हो रही है। चंदौली में घर में घुसकर पुलिसकर्मियों द्वारा 2 बेटियों की बर्बर पिटाई में एक बेटी की मृत्यु अत्यंत दुखद है।
दो पुलिसकर्मियों पर हो हत्या का केस और मिले कठोरतम सजा। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है, जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं उन्होंने जानबूझकर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के इस आरोप पर सरकार की ओर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है, संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच के बाद रिपोर्ट आएगी तो और कार्रवाई होगी। अगर कोई चीज़ रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया। इसलिए अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं, अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सरकार कह रही है कि जांच होगी और विपक्ष कह रहा है कि यूपी में पुलिस सत्ता के संरक्षण में हत्यारी बन चुकी है। बात सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर आकर टिक गई है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। वो मामला चाहे गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या का हो या फिर कानपुर में हुए संजीत यादव के अपहरण का, जिसमें पुलिस ने पैसे भी दिलवा दिए और संजीत की हत्या भी हो गई। इससे पहले हाथरस कांड और लखनऊ में हुए विवेक तिवारी हत्याकांड में भी पुलिस की भूमिका ऐसी रही है कि उसकी वजह से सरकार की खूब किरकिरी हुई है। उम्मीद है कि इतिहास से सबक लेते हुए सरकार भी पुलिस वालों पर सख्ती करेगी और पुलिस वाले भी खुद की कार्यशैली को बदलने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।